हेलो माय आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रुचि एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल सी सिंपल सी लैंडस्केप पेंटिंग जो कि वाटरफॉल पेंटिंग है। अगर आप बिगनर्स हो तो ये पेंटिंग आपके लिए है। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बताई है कि किस तरह से वाटरफॉल पेंटिंग बनती हैं ईजी वे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कैनवास जो कि स्मॉल साइज़ है, आप कोई भी साइज़ का कैनवास ले सकते हैं। और इसमें एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आर्टिस्ट एक्रेलिक पेंट्स हैं। और राउंड ब्रश की हेल्प से मैं इसमें जो मैंने ड्रॉ किया है इसे लाइनिंग आउटलाइनिंग कर रही हूँ इसमें। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है वाइट एंड कोबाल्ट ब्लू, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और स्काई बना रही हूँ मैं यहाँ पे, फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे स्काई बना रही हूँ। थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे बिकॉज एक्रेलिक पेंट जो होते हैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो हमें बेस लेयर के लिए तो मोस्टली वाटर की ज़रूरत तो रहती ही रहती है। ठीक है, थोड़ा सा वाइट ऐड करेंगे, ऊपर का स्काई थोड़ा सा डार्क रहेगा और नीचे आते आते हम इसमें वाइट ऐड करेंगे बिकॉज ये लाइट रहेगा। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बिगिनर्स के लिए और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बना के रखी हैं। अब मैं यहाँ पे वाटर बनाने जा रही हूँ। वाटर के लिए मैंने ले लिया है कोबाल्ट ब्लू एंड ब्लैक। अगर आपके पास पोर्शन ब्लू है तो आप डायरेक्ट पोर्शन ब्लू यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें वाइट ऐड कर लेना। ठीक है, और वाटरफॉल के लिए इसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वाइट ऐड कर दिया है कोबाल्ट ब्लू में। ब्रश स्ट्रोक आपको नीचे की तरफ ले जाने हैं। ओके, तो ये बेस लेयर अप्लाई हो चुकी हैं। हल्का सा इसमें कोबाल्ट ब्लू डार्कनेस देने के लिए अप्लाई कर रही हूँ मैं। ब्रश को वाटर से क्लीन कर देंगे अच्छे से वॉश करने के बाद। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एंगुलर ब्रश। आपके पास कोई भी अगर रफ एंगुलर ब्रश है या फिल्बर ब्रश है वो आप बुशेस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, उससे बुशेस हमारे बहुत सुंदर बनते हैं। पेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है सैप्लिन एंड ब्लैक एंड कोबाल्ट ब्लू। इन तीनों पेंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बुशेस के लिए अप्लाई कर लेंगे। मेरे पास ये 2 नंबर्स की एंगुलर ब्रश हैं, बिल्कुल रफ ब्रश है। अगर आपके पास कोई भी रफ ब्रश हो तो आप उसे फेंकिएगा मत क्योंकि वो रीयूज हो जाती हैं और उससे बुशेस, ट्रीज, ग्रास बहुत ही सुंदर बनते हैं। हल्की सी यहाँ पे डैबिंग करनी है। अभी हम बेस लेयर अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें वाटर भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये डार्क लेयर हमने नीचे को अप्लाई कर दी है, ऊपर को थोड़ा सा हम सैफ्रन के साथ हल्का सा हाईलाइट करेंगे। नीचे की बुशेस भी बना देते हैं, उसके बाद ही इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे सैफ्रन के साथ। बेस लेयर में उतनी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब हम सेकंड, थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ पे पेशेंस के साथ वर्क करना होता है।
ओके, इसमें भी डैबिंग कंप्लीट हो चुकी हैं, ये बुशेस बन चुकी हैं। अब हम सैप ग्रीन के साथ थोड़ी सी ऊपर की बुशेस को हाईलाइट कर लेंगे। एक्रेलिक में क्या होता है कि हमें डार्क टू लाइट जाना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि पहले हमें डार्क लेयर अप्लाई करना होता है, उसके बाद लाइट लेयर। ओके, मतलब 3 से 4 लेयर अप्लाई होते हैं, उसके बाद ही हमारी पेंटिंग कंप्लीट होती है। मैं डैबिंग करती जा रही हूँ इसमें और आप देख सकते हो बुशेस कितनी सुंदर बन के आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लाउड्स बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पे एंगुलर सॉरी फिल्बर ब्रश, जो कि स्मॉल नंबर है, 1 या 2 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही यहाँ पे वाटर नहीं लिया है, क्लाउड्स बनाने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें बस ब्रश की हेल्प से ही क्लाउड्स को आगे की तरफ बढ़ाना होता है। ब्रश को सर्कल मोशन में घुमाना और फिर आपके क्लाउड्स बहुत ही सुंदर बनेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल से क्लाउड्स बना रही हूँ, जो कि बिगनर्स इजीली इसे फॉलो कर सकता है। और इस बात का ध्यान रखना कि ब्रश में जो आप व्हाइट पेंट लोगे क्लाउड्स बनाने के लिए, तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में पिक करना, तभी आपके क्लाउड्स अच्छे बनेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पेंट यूज़ करोगे तो उसमें पेंट ही दिखाई देगा, क्लाउड्स आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, उसकी शेप नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ फिल्बर्ट ब्रश, ये 2 नंबर की हैं। थोड़ा सा वाटर को हम डार्क करेंगे, इसमें सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ मैं सैप ग्रीन एंड कोबाल्ट ब्लू को मिक्स करके सी ग्रीन कलर बनाया है। बीच बीच में हमें इसमें डार्कनेस दिखानी है, कहीं कहीं मैं कोबाल्ट ब्लू भी अप्लाई कर रही हूँ और वाटरफॉल में भी डार्क लेयर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी कॉज तभी स्ट्रोक ब्रश स्ट्रोक जो है स्मूथली दिखाई देंगे। थोड़ा सा व्हाइट ऐड कर लूँगी कोबाल्ट ब्लू में, वाटर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे सेम ब्रश से ही। जो डिटेल वर्क होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है और पेंटिंग में तो वैसे भी पेशेंस की ज़रूरत रहती है, तभी आपकी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, अदरवाइज तो आपकी पेंटिंग में जो रियलिस्टिक लुक है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना जब भी आप पेंटिंग में डिटेल वर्क कर रहे हो तो आपको धीरे से वर्क करना है। अभी वाइट कलर से ये हमारी फर्स्ट लेयर है जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं वाटर को।
इसमें वाइट में कोबाल्ट ब्लू भी मिक्स है, डायरेक्ट वाइट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें अभी दो लेयर और अप्लाई करना है हाईलाइट के लिए। वाटरफॉल बनाते टाइम ब्रश स्ट्रोक का ध्यान रखना कि स्ट्रोक मैंने किस साइड को अप्लाई किया है, आप उसी साइड अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रश ले रही हूँ, राउंड ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा वाटर को ऊपर से हाईलाइट कर लेंगे। कोबाल्ट ब्लू एंड व्हाइट को मिक्स किया है और फिर मैं राउंड ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ। राउंड ब्रश को पहले आपने वाटर में डिप करना है, उसके बाद वाटर को थोड़ा सा ब्रश को थोड़ा सा क्लोथ से क्लीन कर देना, उसके बाद ही पेंट अप्लाई करना, ठीक है। ब्रश में पेंट कम लेना है, मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि ब्रश में पेंट जो है बहुत ज़्यादा ले लेते हैं जिससे कि उनकी पेंटिंग नेचुरल नहीं दिखाई देती है। आप एक ही बार में ब्रश में पेंट ज़्यादा ले लोगे तो फिर सेकंड थर्ड लेयर में आप क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब हाईलाइट के लिए हम सेकेंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं, इसमें वाइट कलर की क्वान्टिटी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। मैं ये राउंड ब्रश से ही वाटरफॉल में स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ। जब हमें फाइनल टच देना होता है पेंटिंग में तो बहुत ही स्लोली हमें वर्क करना होता है। बेस लेयर में तो आप किसी भी साइड को स्ट्रोक वैसे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जब फाइनल टच देते हैं तो हमें ब्रश का ध्यान रखना होता है कि हम स्ट्रोक किस साइड अप्लाई कर रहे हैं और पेंट की क्वांटिटी कितना यूज़ कर रहे हैं पेंट ब्रश में, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश ले ली है जो कि वाटर को स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। हल्का सा इसे वाटर में डिप करूँगी, उसके बाद ये इसमें अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा क्लोथ से आपको इसको क्लीन कर देना है ब्रश को, क्योंकि ज़्यादा वाटर भी नहीं रहना चाहिए ब्रश में, वाटर हमारा स्मूथ दिखाई दे, इसी के लिए मैं इस ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जो हमने अभी लेयर अप्लाई की थी वाइट की राउंड ब्रश से, वो अभी भी हल्की सी वेट हैं, तो फ्लैट ब्रश अप्लाई करने से ये इसमें अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे फ्लैट ब्रश से भी वाटरफॉल अप्लाई कर सकते हो हाईलाइट के लिए। थोड़ा सा डार्कनेस दे दूंगी मैं कोबाल्ट ब्लू के साथ जो बैक साइड का वाटरफॉल है। अब राउंड ब्रश की हेल्प से हम लास्ट टच देंगे इसमें
हाईलाइट का, इसमें मैंने डायरेक्ट वाइट ही अप्लाई किया है। हल्का सा हाईलाइट रिवर में भी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सेम वे एंब्लर ब्रश ले रही हूँ जो मैंने पहले ब्रशेज बनाने के लिए यूज़ किया था, इसे हाईलाइट करूँगी। लेमन येलो एंड सैफ्रन को मिक्स कर लेंगे एंड इसकी हेल्प से हम इसमें डैबिंग करेंगे हल्का हल्का सा। और ये ध्यान रखना कि इसमें वाटर नहीं लेना है, मैंने यहाँ पे वाटर बिल्कुल नहीं लिया है, ब्रश को इवन वाटर में डिप भी नहीं किया है, बिल्कुल ड्राई ब्रश है। और यहाँ पे सैप ग्रीन एंड लेमन येलो के ड्राई स्ट्रोक ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। हल्का हल्का सा टचअप देना है। जो हमने फर्स्ट बेस लेयर डार्क लेयर जो अप्लाई की थी उसे भी रहने देना है, उसे बिल्कुल हाइड मत कर देना, अदरवाइज आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं दिखाई देगी। तो लेमन येलो की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और बुशेस में अप्लाई करेंगे। टॉप की जो बुशेस है वो ज्यादा हाईलाइट रहेगी। ब्रश में मैंने पेंट जो है बहुत कम क्वांटिटी में लिया है। और जो इसकी नोक है ओनली उसी पे ही जो पेंट है वो पिक किया है। अगर आपके पास एंगुलर ब्रश नहीं है तो आपके पास अगर फिल्बर्ट ब्रश है, रफ पड़ी है तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रफ ब्रश है आपके पास। बट एंगुलर ब्रश से बुशेज बहुत ज़्यादा सुंदर बनती हैं। आपके पास कोई भी रफ ब्रश हो आप उसे फेंकिएगा मत, क्योंकि ये जो रफ ब्रश होती है इससे ग्रास, ट्रीज, बुशेज बहुत ही सुंदर बनते हैं। मैंने ये स्पेशल ब्रशेस बनाने के लिए ही रखी है। थोड़ा सा और लेमन येलो अप्लाई करूंगी मैं इसमें हाईलाइट के लिए। और पेंट सेकंड लेयर आप तभी अप्लाई करना जब फर्स्ट लेयर अच्छे से ड्राई हो जाए, ठीक है। इसकी नोक पे आपको पेंट पिक करना है। पूरी ब्रश को आप पेंट पे डिप मत कर देना, अदरवाइज आपकी जो ब्रशेज है वो अच्छी नहीं बनेगी, उसमें ब्रश स्ट्रोक जो है वो दिखाई नहीं देंगे। चलो क्लाउड्स में हम सेकंड लेयर अप्लाई करते हैं। इसके लिए मैंने फिल्बर्ट ब्रश ले ली है और इसे हाईलाइट करेंगे। वाटर नहीं लिया है मैंने। ओनली ब्रश में मैंने व्हाइट पेंट ही पिक किया है और आप देख सकते हो कितने सुंदर क्लाउड्स बन के आए हैं। अगर आप बिगनर्स हो, आपको और इस तरह की पेंटिंग्स देखनी हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। बिगनर्स के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप पेंटिंग्स देख सकते हो जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। एंड अगर आप न्यू हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की लैंडस्केप नेचुरल पेंटिंग देखने के लिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।